मैं तुझ में ही सज जाऊंगी। तुम अब पीछे क्यों रहे, ऐसे गाएंगे हम, झूमेंगे हम, देखेगा इंडिया, दिल में है जोश, उड़ा के होश बनेंगे हम। जियो सिंगिंग स्टार वी आर। तो अपने बेसिकली हमारा वेब सीरीज जो जो है ऑलरेडी लॉन्च है, लिव टुगेदर ऑलरेडी लॉन्च है, बेबी एंड बाबू ऑलरेडी लॉन्च है, मिस मी बोल के एक वेब सीरीज जो एकदम न्यू कॉन्सेप्ट में, और अभी जो हो रहा है आपका जो प्री मैच्योर्ड वेब सीरीज जो बोलता है मैच्योर्ड स्टोरी लेके हम लोग बनाया है। और अभी हम लोग आज दो वेब सीरीज लॉन्च होने वाला है, एक है एम फॉर माम एंड एक है भाभी जी मैं आऊँ। उसके साथ दो रियलिटी शो भी लॉन्च हो रहा है, इसका एक का नाम है जियो सिंगिंग स्टार और एक का नाम है जियो किंग एंड क्वीन इंटरनेशनल। इसमें आपका एक ब्यूटी पेजेंट है और एक गाना का प्रोग्राम है, तो उसमें ललित जी हमारा गाना का प्रोग्राम है, वन ऑफ द लीडिंग जज जो गाना का प्रोग्राम होगा जियो सिंगिंग स्टार। तो हम चाहेंगे सर कुछ बताइए जियो सिंगिंग स्टार के बारे में, कैसे हम लोग शुरू किया कैसे। देखिए ये तो कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा मुझे लगा है कि आप ये जियो ऐप, जियो गुरु ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप में लगता है कि आप में सिंगिंग का टैलेंट है और एक पार्टिसिपेशन की चाह है, तो उस ऐप को डाउनलोड करके आप यहाँ विदाउट एनी लाइन एनी क्यू आप ऑडिशन दे सकते हैं। ऑडिशन की ज़रूरत ही नहीं, इनफैक्ट आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लें और फिर बाद में आपको बुलाया जाएगा और सिंगिंग कॉम्पिटिशन जो ये वेब में आ रहा है ये होगा और इसमें हम लोग जज होंगे और इसमें सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें जो कि लाइन में नहीं खड़े होना चाहते और जो कि सिंगिंग टैलेंट रखते हैं उनको मौका मिलेगा इसमें, और आई एम श्योर कि बहुत ही वाइड वेरिएशन ऑफ आर्टिस्ट मिल सकते हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और आई एम श्योर इट विल वर्क ग्रेट। और ये जो जियो गुरु ऐप है इसमें आपने अभी सुना ही कि कितने सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं और फिल्में आ रही हैं इसकी, अपनी इसमें अपने प्रोग्राम्स आएंगे जो कि देख सकेंगे। तो इट्स अ वेरी न्यू एंड ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट विच इज़ गोइंग टू कम अप। जो ऐप है जियो गुरु, इसमें वैरायटी टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स है, इसमें वेब सीरीज जैसे हिंदी भी है, रीजनल लैंग्वेज में भी है, और इसमें जैसे साउथ मूवीज़ भी है, बहुत कुछ है, हॉलीवुड मूवीज़ भी है। तो हम लोगों का इसमें, हम लोग का ऐप में बहुत वेरिएशन है, तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं इसको, कि इसके लिए हम लोगों का ऐप में और एक तो चीज़ है शॉक स्टूडियो बोल के, तो उसमें हम लोग जैसे मॉडर्न सिंगिंग, बेसिकली द ब्लेंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड मॉडर्न म्यूजिक तो उसमें सब कुछ मिला के, मतलब हम लोग का ऐप थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके है और सब कुछ है इसके अंदर, जो आपको मन मर्जी है वो आप देख सकते हैं। फिल्म देखना है तो फिल्म देख सकते हैं, ओरिजिनल देखना है तो ओरिजिनल देख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज देखना है तो शॉर्ट स्टोरीज देख सकते हैं, कंपटीशन देखना है तो कंपटीशन देखते हैं, लाइव चैनल देखना चाहता है तो लाइव चैनल देख सकते हैं, और इसके अंदर अगर आपको हॉलीवुड मूवी देखना है तो हॉलीवुड मूवी भी देख सकते हैं, जो आपके मर्जी है, जो एक टीवी चैनल में मिलता है मोटा मोटी वो सब कुछ हमारा ऐप में है। सर कोई सब्सक्राइबर अगर एक्चुअली एक साल के लिए आज से हम लोग कर रहे हैं 79 rupees पर ईयर, ओनली 79 rupees पर ईयर। हमारा 299 था, हम एक ऑफर चालू किया आज से, आज मुंबई में जो लॉन्च हो रहा है आज का दिन से, क्योंकि 79 rupees पर ईयर एनुअल सब्सक्रिप्शन 79 rupees पर ईयर। इसके अंदर आपको सब जो जो चीज़ है हमारा ऐप के अंदर सबका देखने का ये याद मिलेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए कोलैबोरेशन के बारे में, और इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है तो बहुत सारे लोग जो है अप्लाई करेंगे जी, तो सर कैसे चुनाव करेंगे आप और क्या स्ट्रेटेजीज बनाई आपने? देखिए इस पर एक टीम बैठेगी, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे इसको, डेफिनेटली करेंगे, तो एक ह्यूज लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट आएगी इसमें ऑल ओवर कंट्री ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट बैठेंगे जो उनको देखेंगे और उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होगा। हाँ। उसके बाद जो होगा वो सर लोगों को पास जाएगा, सर लोग उसको सुनेगा, उसके ऊपर सर लोग विचार करेंगे, उसके ऊपर लास्ट सेमीफाइनल एंड फाइनल शूट होगा, जिसमें सर लोगों को सामने उन लोगों को गाना है, लाइव गाना है। करेक्ट। उसके बाद हमारा जो भी
आएगा रिजल्ट, जो भी रिजल्ट देगा वो बनेगा जियो सिंगिंग स्टार। जो भी शॉर्टलिस्टेड, मेरे ख्याल से इंडिया में जितना भी ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म है, पहले हम लोगों का जियो गुरु ऐप है जिसमें कोई रियलिटी शो चालू किया गया है अभी तक, एज पर माई नॉलेज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन ऐप हिस्ट्री जहाँ पे एक रियलिटी शो ऐप में स्ट्रीमिंग होने हो रहा है। देखिए इसमें नो एज बार वाला मामला है, तो हर आदमी जिसे लगता है कि सिंगिंग का टैलेंट है, उसमें पैशन है अबाउट सिंगिंग, तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना चाहिए। और एक करने से ये तो आपको एक फेयर चांस मिलेगा कि आप में कितनी क्षमता है। तो ये बहुत ही एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। आई विश ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू एनरोल इन दिस कॉम्पिटिशन द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड वील होप टू सी यू इन द फाइनल। जहाँ से मैं मुंबई आया था, यहाँ से मुझे सिलसिला जुड़ा। तो इस बार कुछ नया है जो एक डिजिटल ऐप में एक रियलिटी शो आ रहा है जिसका नाम है जियो सिंगिंग स्टार। इसको होस्ट करने का जो मौका है, और साथ में जो इतने टेलीविजन हैं, प्रकाश भाई हैं, ललित सर हैं, और मेरे दोस्त अभय हैं, मेंटर देखना हो सकता है। तो दिस इज रियली गॉन बी अ वेरी गुड जर्नी फॉर मी एंड वेरी एक्साइटिंग थिंग कि एक डिजिटल ऐप में आप लोग और वहाँ पे जो हमारी जो इंटरनेट जूरी की टीम है वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, और जो शॉर्टलिस्टेड होंगे वो मुंबई में सेमीफाइनल या फिनाले के लिए आएंगे। Web series, this is a last short film. It's about awareness of the AIDS. बहुत ही सोशली एंड सेंटिमेंटल ड्रामा एंड इशू है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो है जियो गुरु ऐप में इसका स्ट्रीमिंग होगा बहुत जल्दी, तो आप लोग देखिएगा। बहुत सेंटिमेंटल एंड इमोशनल ड्रामा है ये आपको, और मेरा प्रोटागोनिस्ट जो है मिस्टर आशीष चटर्जी इज़ द लवली वर्क एंड माय वन मोस्ट फेवरेट फ्रेंड एंड म्यूजिक कंपोजर एंड प्रोड्यूसर। आप म्यूज़िक भी देख लीजिए, उसका सॉन्ग देख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग सबको इस जीवन को फिल्म के लिए आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करिए। जी, मेरे किरदार का नाम है अनिरुद्ध मुस्कान। ये प्रोटैगनिस्ट है, इनको जो एड्स पेशेंट है, एक्चुअली ये अवेयरनेस इस बारे में है क्योंकि हमें जनरली जो कहा जाता है या जो हम सुनते हैं, जो ऑलवेज जो है कि नेगेटिव चीज़ें होती है कि एड्स मतलब सिर्फ सेक्स से ही होता है, ऐसा नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एड्स होता है, ये अवेयरनेस है। और लोगों को ये लगता है कि हर किसी का वन ट्रैक माइंड है, उसी में उन लोगों को मतलब क्या होता है, इससे डिप्रेशन में एक इंसान जितना जीना चाहता है उससे जल्दी मर जाता है। अगर उसे सपोर्ट मिले समाज का, जाएगा तो ज़रूर लेकिन कुछ दिन और जी के जाएगा। कुछ विशाल भाई के साथ मिलते हैं क्योंकि इनका भी जो क्रिएटिविटी है फिल्म में ग्लोबली, जिस नॉट पर कोई एक सब्जेक्ट की एक ओरिएंटल सब्जेक्ट नहीं है। और म्यूजिकल सपोर्ट इस फिल्म मुझे गान का कि इसकी अच्छा लगा इसमें, क्योंकि काफ़ी स्कोप था इमोशनल सेंटिमेंटल एंड वेरी ड्रामेटिक ऑल्सो। तो मैं वही कोशिश किया हूँ और थीम सॉन्ग इसके बहुत अच्छे थीम सॉन्ग है, आई थिंक यू वुड लाइक दैट। एंड बैकग्राउंड स्कोर के अच्छे स्कोप भी था जो मैंने कोशिश की। जी, मैं बिल्कुल शुरू से जुड़ा हुआ हूँ इन लोगों के साथ, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये वेब आज ये ऐप आज लॉन्च हो रहा है, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने इनके साथ दो प्रोग्राम्स किए हैं जो अच्छे बने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कंटेंट ड्रिवन टेक्नोलॉजिकली साउंड प्रोग्राम्स जो बन रहे हैं ये लोग बना रहे हैं और आगे बनाते रहें और लोगों का दिल जीतते रहें। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द वेब, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बने। कुछ से पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, आजकल जो हंसी है और स्माइल है बहुत महंगी हो गई है। आजकल टेंशन्स इतनी हैं, प्रेशर्स इतने हैं, इतने प्रेशर्स हैं आजकल, तो ये है कि प्रेशर कुकर में रहिए और उसके अंदर रह के स्माइल करके दिखाइए। तो इस ज़माने में एक स्माइल की ज़रूरत है, एक लाफ्टर की ज़रूरत है। और ये जो जियो गुरु ऐप है,
इसके अंदर हमने देखा है कि लॉट ऑफ स्माइल्स, लॉट ऑफ लाफ्टर, लॉट ऑफ मैडनेस इज देयर। मैंने दो तरह से इनके साथ में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ। इनका पहला जो सीरियल है, वेब सीरीज है, देखिए ज़माना कैसे बदला है, सिनेमा 70 mm, उसके बाद हम आए सीरियल्स में आए, सीरियल के बाद में अब वेब सीरीज है। इट्स दिस, इट्स दैट एंड इट्स 70 mm, यू नो दिस इज ऐसे ऐसे जर्नी है। लेकिन वेब सीरीज का फ़ायदा ये है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बशर्ते कि यू आर ए गुड एक्टर, यू आर ए फाइन एक्टर या कैमरामैन आप अच्छे हो, आप कम वक्त में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। इसमें जैसे कि सेंसर का होता है, सेंसर नहीं है तो यू हैव टू सेंसर योर सेल्फ, आपको खुद अपने आप को सेंसर करना होगा। मैं इनके साथ दो बार मैंने किया है, एक मैंने लव गुरु का रोल किया है। लव गुरु का रोल बहुत खूबसूरत रोल है। मुझे याद है कि इन्होंने मेरे लिए वो एक दिन का पूरा चंक जो था, दे केम ऑल द वे फ्रॉम कलकत्ता टू बॉम्बे टू शूट विद मी, और उसमें हमारे मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरिंदम जी उसमें थे। सौम्यजीत इज़ अ वेरी वेरी फाइन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, और उनके साथ में उनके जो साथी हैं राकेश जी वो हैं और सुकन्या जी हैं, ये लोग बैकबोन हैं। एंड आई थिंक ये जो प्रयास है, ये जो इनकी कोशिश है, काविश है, ये बहुत आगे तक जाएगी, और ये हर तरह का इसमें एक अच्छा काम कर रहे हैं, सही कलाकारों को ढूंढ के। आई कुड नेवर इमेजिन कि ये वेब सीरीज में इस तरह से आई विल बी इन्वॉल्व, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बॉम्बे के ही एक बहुत पुराने और बहुत अच्छे बाबू भाई, थैंक्स टू बाबू भाई की। अच्छा बात है कि पहले कोई ऐप्स आ रहा है इंडिया में जो लॉन्च हो रहा है, जिसमें ए सिंगिंग कंपटीशन आने वाला है, तो ये बहुत ही एक नया प्रयास है, तो इसके लिए जियो गुरु को बहुत बहुत ही हार्दिक शुभकामना। और इस जियो गुरु के जो थीम सॉन्ग है वो उसका मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, और उसका गाना गाया है मेघना मिश्रा, अभय जोधपुरकर, टॉनिक धर। तो ये बहुत ही एक नया कंपटीशन आ रहा है, आई होप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऑडिशन देने जाना नहीं पड़ेगा, यू कैन सिटिंग एट होम यू कैन गिव ऑडिशन एंड थ्रू एन ऐप। सो जियो गुरु ने काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है ये, इसको लॉन्च करने का।